हेलो फ्रेंड्स, आई एम शाइना एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ B.Ed सेमेस्टर 1, दैट इज टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला का ऑफ द सेशन 2018। दोस्तों, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस एक एडिशनल सब्जेक्ट होने के कारण आपको इसका पेपर शायद ही कहीं और से अरेंज हो। सो आई होप इट हेल्प्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। फ्रेंड्स, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है ये होता है 35 मार्क्स का, जिसे आपने कंप्लीट करना है 1.5 आवर में। इसमें तीन सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग विद द सेक्शन ए। फ्रेंड्स, सेक्शन ए में दो क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द सेकेंड इज डिफाइन करिकुलम, एक्सप्लेन हाउ टू इंटीग्रेट कंप्यूटर एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, तो इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगी। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंस एंड क्वालिटीज ऑफ अ कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक। फोर्थ इज व्हाट इज प्रोफेशनल ग्रोथ, डिस्कस द रोल ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फ्रेंड्स, सेक्शन बी में भी आपको दो क्वेश्चंस दिए होंगे, जिसमें से आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन सी, फ्रेंड्स, सेक्शन सी एक कंपलसरी सेक्शन है, जिसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको 5 क्वेश्चंस सारे के सारे शॉर्ट में अटेम्प्ट करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, सेकंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विद रेफरेंस टू सोसाइटी, थर्ड इज एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, फोर्थ कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, फिफ्थ any 3 qualities of a computer science teacher। friends, semester 1 के जो और papers हैं वो भी मैंने अपने इस channel पर upload कर दिए हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। so friends, जल्दी से मेरी इस video को like करें and also share it with your friends। and friends, अगर आपको इस paper में कोई भी doubt हो, कोई question आपको समझ में नहीं आया, और अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हेल्प चाहिए या किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।